नमस्कार दोस्तों, GDPL टीम आप सभी का वेलकम करती है आज के इस सितंबर 2017 के करंट अफेयर्स में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट घटनाओं को लेकर के, जिनसे संबंधित क्वेश्चंस एग्जाम में आने की संभावनाएं बनी रहती है और जिससे संबंधित क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के इस करंट अफेयर के वीडियोज में हम लोग शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सौभाग्य योजना का किया शुभारंभ। तो देखिएगा, फिलहाल ये वाली जो योजना है, जैसा कि इन दिनों जो भी एग्जाम्स हो रही है आप देख, और उनमें ऐसे क्वेश्चंस का समावेश हो रहा है जिसमें योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो देखिएगा, प्रधानमंत्री मोदी ने सौभाग्य योजना का शुभारंभ किया है। और बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब परिवारों में 24/7 बिजली आपूर्ति की सुविधा प्रदान करने के लिए सहज बिजली हर घर योजना, यानी कि सौभाग्य योजना का शुभारंभ किया है। और सरकार ने ऐसा कहा है कि राज्यों को 31 मार्च 2019 तक घरेलू विद्युतीकरण पूरा करने की आवश्यकता होगी। सौभाग्य योजना की कुल अगर परिव्यय की बात करें तो 16,320 करोड़ रुपए माना गया है। अगले मुख्य खबर पे पढ़ते हैं जिससे संबंधित सवाल आने की संभावना है। तो देखिएगा, ऑपरेशन इंसानियत। ये ऑपरेशन इंसानियत क्या है? तो देखिएगा, भारत ने बांग्लादेश में एक ऑपरेशन का शुभारंभ किया है जिसे ऑपरेशन इंसानियत का नाम दिया गया है। और ये जो ऑपरेशन की शुरुआत की गई है वो भारत ने म्यांमार से निष्कासित और बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थियों की बड़ी आबादी को सहायता प्रदान करने के लिए जो पहल की गई है उसको ऑपरेशन इंसानियत नाम दिया गया है। और बात की जाए तो देखिएगा, बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए भारत द्वारा सहायता राशि की पहली किस्त भारतीय राजदूत हर्षवर्धन श्रृंगला ने सत्तारूढ़ अवामी लीग के महासचिव ओबायदुल कव्वार को सौंपी। कांडला पोर्ट का नाम बदलकर दीनदयाल पोर्ट किया गया। देखिएगा, भारत के जो शीर्ष 12 प्रमुख बंदरगाहों में से एक कांडला बंदरगाह है, उसका हाल ही में नाम बदलकर हिंदुत्व के आइकन पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर दीनदयाल पोर्ट रखा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कांडला पोर्ट का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? दीनदयाल पोर्ट कर दिया गया है। और अगला है आरोग्य भाग्य, जो है एक योजना है जिसकी शुरुआत किसने की है? कर्नाटक सरकार ने की है, यानी कि कर्नाटक सरकार ने एकीकृत स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की है जिसका नाम है आरोग्य भाग्य। ई वाहन नीति को मंजूरी देने वाला कर्नाटक बना देश का पहला राज्य। देखिएगा कि कर्नाटक ई वाहन नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है, जो कि इलेक्ट्रिक वाहनों और एनर्जी स्टोरेज पॉलिसी को बनाने कर्नाटक पहला राज्य, जो न केवल इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बिक्री बढ़ाने में सहायता करेगा बल्कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को भी वो स्थापित करेगा। और अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिएगा, यूनेस्को ने अहमदाबाद को भारत का पहला विश्व धरोहर शहर घोषित किया है। बहुत ही अच्छी बात है। देखिएगा कि यूनेस्को के द्वारा हाल ही में गुजरात की वाणिज्यिक राजधानी अहमदाबाद को औपचारिक रूप से यूनेस्को द्वारा भारत का पहला विश्व धरोहर इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया गया है। और एंजेला मार्केल चौथी बार जर्मनी की चांसलर बनने में कामयाब रही है। हलीमा याकूब सिंगापुर की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो हलीमा याकूब जो है वो कहाँ की राष्ट्रपति बनी है? सिंगापुर की, और पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। देखिएगा, प्रसिद्ध कोंकणी लेखक महाबलेश्वर सैल को उनके उपन्यास होतन के लिए सरस्वती सम्मान 2016 से सम्मानित किया गया है। तो जो उपन्यास है उसका नाम क्या? होतन। और लेखक यानी कि प्रसिद्ध कोंकण लेखक महाबलेश्वर। और बात करें तो 2009 में प्रकाशित होतान उपन्यास गोवा में किसके बारे में? पारंपरिक कुम्हार समुदाय के सांस्कृतिक जीवन को कैप्चर करता है। तो किसके बारे में? इस उपन्यास की जो थीम है वो क्या है? गोवा में पारंपरिक कुम्हार समुदाय के सांस्कृतिक जीवन को कैप्चर करता है। और अक्षय कुमार को हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। द शेरशाह ऑफ कारगिल, जो कि कैप्टन विक्रम बन्ना की जीवनी है, उसका अनावरण किया गया। कारगिल युद्ध के नायक कैप्टन विक्रम 17-24 साल की उम्र में शहीद हुए थे और कैप्टन विक्रम
पत्रा की जीवनी द शेरशाह ऑफ कारगिल 21 वर्षीय दीपक सुराना ने लिखी। तो देखिएगा द शेरशाह ऑफ कारगिल जो नामक पुस्तक है उसका हाल ही में जो उसकी जीवनी के बारे में है कैप्टन विक्रम बत्रा की, उसकी जीवनी का अनावरण किया गया। और इसको किसने लिखी है? दीपक सुराना ने लिखी है। और मारिया शोरापाव ने अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फोर का लोकार्पण किया है अभी हाल ही में। तो अनस्टॉपेबल का जो है माई लाइफ सो फोर का लोकार्पण किया किसने? मारिया शारापाव ने। और बात करें इंपोर्टेंट घटनाओं की तो देखिएगा विश्व समुद्री दिवस जो कि 28 सितंबर को मनाया जाता है, उसकी 2017 की अगर थीम की बात करें तो इसकी थीम है कनेक्टिंग शिप्स पोर्ट्स एंड पीपल। बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम्स को लेकर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो विश्व समुद्री दिवस का मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 28 सितंबर को। इसी से दूसरा क्वेश्चन निकल रहा है कि 2017 के विश्व समुद्री दिवस का जो विषय है उसकी थीम है वो क्या है? कनेक्टिंग शिप्स पोर्ट्स एंड पीपल। नेक्स्ट बात करें तो विश्व रेबीज दिवस की तो वो 28 सितंबर। तो विश्व रेबीज दिवस प्रतिवर्ष रेबीज की रोकथाम के बारे में मनाया जाता है। और ये इस दिन फ्रेंच रसायनज्ञ और सूक्ष्म जीव ज्ञानी लुई पाश्चर की पुण्यतिथि आती है जिन्होंने पहला रेबीज का टीका लगाया था। तो देखिएगा इस सवाल में तीन सवाल निकल करके आगे, पहला रेबीज का टीका जो विकसित किया वो किसने किया? लुई पाश्चर ने। और उन्हीं की पुण्यतिथि को लेकर के ये दिवस मनाया जाता है। और बात करें 2017 विश्व रेबीज दिवस की थीम की तो रेबीज है 0 बाई 30 मिनट्स। और अगली बात करें विश्व पर्यटन दिवस तो वो 27 सितंबर। अगर बात की जाए विश्व पर्यटन दिवस 2017 की थीम की तो सतत पर्यटन विकास का साधन, ये इसकी थीम है। फिर से सुन लीजिएगा, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। और फिलहाल जो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसकी जो थीम रखी गई है 2017 के पर्यटन दिवस की वो है सतत पर्यटन विकास का साधन है। और बात करें अगला तो 16 सितंबर को ओजोन के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और जिसकी जो 2000 की थीम है वो है केयरिंग फॉर ऑल लाइफ अंडर द सन। अगली बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को, तो ये 15 सितंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। और 2017 की अगर बात करें तो इसकी थीम है वो है डेमोक्रेसी एंड कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन। फिर बात करते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की, वो 8 सितंबर। और ये 51वां अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है, 8 सितंबर को विज्ञान भवन नई दिल्ली में मनाया गया। और यूनेस्को द्वारा इस वर्ष की थीम लिटरेसी इन ए डिजिटल वर्ल्ड घोषित की गई। क्या घोषित की गई? लिटरेसी इन ए डिजिटल वर्ल्ड 2017 ये दिल्ली में जो मनाया गया। और यूनेस्को द्वारा इस वर्ष की जो थीम है वो क्या रखी गई है? लिटरेसी इन ए डिजिटल वर्ल्ड। तो गाइस इसी तरह के करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। पूर्व विदेश सचिव श्याम सरन की पुस्तक हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड कौटिल्य टू द 21st सेंचुरी का लोकार्पण अभी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया है। तो जो बुक है उसका क्या नाम है? हाउ इंडिया सी द वर्ल्ड कौटिल्य टू द 21st सेंचुरी। और इस पुस्तक को जो लिखा है वो किसने लिखा है? पूर्व विदेश सचिव श्याम सरन ने लिखा है। और लोकार्पण किसने किया है? पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया है। सचिन तेंदुलकर ने मिशन चॉइस की शुरुआत की है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने मुंबई के एम पूर्व वार्ड के लिए मिशन चॉइस का शुभारंभ किया है, जिसे शहर में सबसे ज्यादा स्लम जनसंख्या वाले क्षेत्रों से में जाना जाता है। और अगली बात करें तो प्रकाश पादुकोण को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। और बात करें तो भारतीय बैडमिंटन के दिग्गज प्रकाश पादुकोण को बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया BAI, यानी कि प्रकाश पादुकोण जो है वो किसके दिग्गज है? बैडमिंटन के। तो भारतीय बैडमिंटन के दिग्गज प्रकाश पादुकोण को बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि BAI द्वारा पहली बार लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए चुना गया है। और ये पुरस्कार उन्हें उन्हें बैडमिंटन में उनके योगदान के लिए पुरस्कार देने के लिए चुना गया है। और इस पुरस्कार की बात करें तो इस पुरस्कार में 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है, जिसे नई दिल्ली में प्रदान किया जाएगा। ओडिशा सरकार ने संपूर्ण योजना का शुभारंभ कर दिया है। ओडिशा सरकार की बात करें तो ओडिशा में गर्भवती महिलाओं के लिए संपूर्ण शिशु अबाउंड मातृ मृत्युहारा पूर्ण निराकरण अभियान योजना का शुभारंभ किया है। और मलेशिया मेलाका में उजाला योजना की शुरुआत की गई है।
ऊर्जा मंत्रालय के तहत ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड EESL भारत सरकार ने मैलाका मलेशिया में उजाला योजना की शुरुआत की है। तो देखिएगा इसी तरह के करंट अफेयर की जानकारी के लिए जुड़े रहिएगा हमसे। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, और साथ ही ज्यादा से ज्यादा वीडियोज के अपडेट का लाभ उठाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल GDPL को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।